आज की रेसिपी है ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी, बिल्कुल नया तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट बनाने का। वैसे तो आपने कई बार ब्रेड ऑमलेट खाया होगा, पर इस नए अनोखे तरीके से बनाकर कभी भी नहीं खाया होगा। सुपर टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोफिया और आपका स्वागत है कुक विद सोफिया में, जहाँ आपको मिलती है लो बजट क्विक एंड ईजी टेस्टी न्यू रेसिपीज। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर ले, जिससे कि आप आ सकेंगे मेरे हर लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो अंडे लिए हैं। दोनों अंडों को एक बाउल में तोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे जो आपको मेजरमेंट बताऊंगी वो एक बंदे के लिए सफिशियंट होता है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, दोनों अंडों को मैंने तोड़ लिया है। उसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं हाथों से इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब अच्छे से फेंट लेंगे दोनों अंडों को। मैं अंडे में कुछ भी मसाला वसाला ऐड नहीं करूँगी, मैं इसे बिल्कुल ही सिंपल रखने वाली हूँ। आप चाहें तो, अगर आपको मसाला ऑमलेट पसंद है तो थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड करके बना सकते हैं और फैट सकते हैं, बट मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अंडे को फेंटने के बाद साइड में रख देते हैं इसे। आगे के प्रोसेस में चलते हैं। दो मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं इस रेसिपी को। अब इसके हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे। कॉर्नर्स कट करके बनाने में बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप चाहें तो इसके साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस वाले के साइड्स मैंने निकाल लिए हैं। दूसरा वाला भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, दूसरा वाला भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। इसके साइड्स ना फेंकें आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब एक पैन को मैंने रख दिया है गैस पे, उससे मीडियम हॉट कर लें, बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखनी है आपको। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रश की सहायता से तेल अप्लाई कर लेंगे। ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं तेल। तेल को फैलाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल ही लो पे कर दें और इसमें डाल देंगे फेंटा हुआ अंडा। ध्यान रहे, इसे डालते टाइम आपका फ्लेम बिल्कुल ही लो पे होना चाहिए, क्योंकि अंडा बहुत ही जल्दी से पकने लगता है, तो फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा रखें। अब हम एक एक करके इसमें ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। तो पहले एक साइड से इस तरह से अंडे से कोट कर लेंगे ब्रेड के स्लाइस को और दूसरे साइड से इस तरह से रख देंगे। दूसरा वाला भी इसी तरह से रख देंगे। पहले अंडे से कोट कर लेंगे, उसके बाद उसे पलट कर रख देंगे। और यहाँ पर अगर आपका फ्लेम ज़्यादा हुआ तो ये अंडा बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा और आप इसे ब्रेड पर कोट नहीं कर पाएंगे। फ्लेम आपका लो पे ही होना चाहिए। कुछ सेकंड्स के बाद ही आप देखेंगे अंडा हल्का हल्का सा सेट हुआ है, बहुत ज़्यादा सेट नहीं हुआ है अभी। और बस यही टाइम है जब आप इसे पलट देंगे। यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है बिल्कुल स्ट्रीट जैसे ब्रेड ऑमलेट बनाने के। तो आप धीरे से इसे पलट लें बिल्कुल सावधानी के साथ, फ्लेम लो पे ही होना चाहिए। और ये देखिए, इस तरह से धीरे से आपको पलट लेना है। इसे पलटने पर ब्रेड नीचे की साइड को चला जाएगा और जो हमने अंडे में कोट करके ब्रेड को इसमें डाला था उससे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा, बिल्कुल अलग सा नहीं लगेगा ब्रेड, ब्रेड बिल्कुल जूसी बनेगा। यही खासियत होती है अच्छे ब्रेड ऑमलेट की। तो मैं बीच बीच में आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देती जा रही हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी हर कोई बनाता है, पर फिर भी अगर आपको बिल्कुल स्ट्रीट जैसे ब्रेड ऑमलेट बनाने हैं घर पर तो इस तरह से बनाएं। इसमें हमने कोई भी वेजेस नहीं डाला है, आप चाहे तो डालकर भी बना सकते हैं। जितने भी अंडे के साइड्स हैं उन्हें अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। इसके साइड्स अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा चम्मच से इसे दबा देंगे ताकि ये खुले ना। और इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी यम्मी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक चीज़ स्लाइस। तो प्रोसेस चीज़ का एक स्लाइस मैंने एक साइड की तरफ रख दिया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी चीज़ ले सकते हैं, आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी ओरिगैनो। आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी हम डाल देंगे। और दोनों नहीं है तो आप थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालें, उससे भी काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आता है। इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज़
और दूसरे साइड में मेयोनीज लगा कर अच्छे से फैला देंगे। और इन पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा फ्लेम बिल्कुल ही लो पे है। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़े से डिटेल में दिखा रही हूँ, पर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमने दो पीस ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और आप देख सकते हैं नीचे से ब्रेड कितने अच्छे से क्रिस्पी सा सिक गया है। और अंडे में डिप करने की वजह से इसके ऊपर एक अंडे की पतली सी लेयर है, कोटिंग है, जिसकी वजह से ब्रेड हमारी काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जूसी है। तो लगभग एक मिनट तक और हम इन्हें उलट पलट करते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे, ताकि अंदर की जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ऊपर से इस तरह का ये क्रिस्पी सा हो जाए। और कुछ ही देर के बाद आप देख सकते हैं इसमें की जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, और कैसे बाहर आ रही है आप देख सकते हैं, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। हम इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बिल्कुल नए तरीके से हमने आज ब्रेड ऑमलेट तैयार किया है बनाकर। मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और लाजवाब तैयार हुआ है। और ये देखिए अंदर से चीज़ आप देख सकते हैं कैसे मेल्ट हो रही है। आ गया ना मुँह में पानी। बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाली इस रेसिपी को झटपट से ट्राई कीजिए। ब्रेड ऑमलेट की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही मेरे चैनल कुक विद सोफिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।